जनरल इलेक्शन 2024 पंजाब असेंबली का हल्का है। पीपी 158 लाहौर का मुकम्मल सरकारी रिजल्ट उम्मीदवारों के वोटों की तफसील के साथ। यहां से कामयाब करार पाए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, इन्होंने हासिल किए 38,642 वोट, जबकि दूसरे नंबर पे आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार चौधरी यूसुफ अली, इन्होंने हासिल किए 23,849 वोट। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मलिक माजिद मुनीर आवान ने हासिल किए 11,744। आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अली ने हासिल किए 4,525 वोट। जमात इस्लामी के मोहम्मद इजाज ने हासिल किए 2,477 वोट। आजाद उम्मीदवार सैयद अजलाल अब्बास हैदर ने हासिल किए 748 वोट। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद असलम ने हासिल किए 577 वोट। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद मंशा ने हासिल किए 355 वोट। आजाद उम्मीदवार नदीम अब्बास ने हासिल किए 310 वोट। आजाद उम्मीदवार राना अरशान अली ने हासिल किए 302 वोट। आजाद उम्मीदवार अब्दुल समद खान ने हासिल किए 235 वोट। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद उमेर अनवर आवान ने हासिल किए 202 वोट। आजाद उम्मीदवार रऊफ शहाबुद्दीन ने हासिल किए 186 वोट। आजाद उम्मीदवार कलीमुल्ला ने हासिल किए 51 वोट। पाकिस्तान तहरीक अमन के खलील अहमद ने हासिल किए 151 वोट। इस हल्का में इन उम्मीदवारों के अलावा मजीद 10 उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद थे, मगर इनमें से कोई भी उम्मीदवार काबिले जिक्र वोट हासिल नहीं कर सका। इस तरह पंजाब असेंबली के हल्का पीपी 158 लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं।